हैदराबाद के सैफाबाद पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार सड़क हादसे में सैयद रियाज नामक युवक के मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक युवक तेलंगाना के मेढक जिला का रहने वाला था। मृत व्यक्ति की उम्र 20 वर्ष की करीब बताई जा रही है। और आपको बता दें कि यह सड़क हादसा हैदराबाद के लकड़ी का पुल पर हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा RTC बस से टक्कर लगने से हुई है। आपको बता दें कि मृत व्यक्ति स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। वीडियो स्प्लेंडर है न्यू टीआर भाई, मैं स्विगी में काम करता हूँ। मेरी टीम के साथ मैं यहाँ खड़े हुआ हूँ। मेरे एक दोस्त का है, मेरे एक टीम मेंबर का एक्सीडेंट हो चुका है, जिसका RTC वाले जो मार के चले गए, ड्राइवर भाग चुका है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इनके घर वालों के लिए कंपनसेशन अलॉट करिए। और स्पॉट डेथ बच्चे का हो गया, बच्चे का नाम सैयद रियाज है, मेदक से रहने वाला बच्चा है। कब से काम कर रहे थे? बच्चा एक महीने से काम कर रहा है। उम्र क्या है? बच्चे की उम्र 20 साल है। बच्चा पढ़ते हुए जॉब करता था, बच्चे को RTC वाला मार के भाग गया। हम पुलिस में कंप्लेंट करे हैं। कंप्लेंट आगे जल्द से जल्द बढ़ाई और प्रोसीजर जल्द से जल्द कंप्लीट करिए। RTC की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान चली गई। तो सरकार से गुजारिश है, ऐसे RTC ड्राइवरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और पुलिस हमारे साथ देने के लिए कोशिश करिए। ये गुजारिश है तेलंगाना गवर्नमेंट से, ये गुजारिश है। घर का एक जिम्मेदार बच्चा था, चले गया, घर से दूर आके पढ़ रहा। वालदा हार्ट पेशेंट है, वालिद बाहर रहते, बच्चा पढ़ते हुए यहाँ काम कर रहा था, बच्चा मर चुका है। सरकार से गुजारिश है कि उसे जल्द से जल्द कंपनसेशन दिला। आज 6 बजे एक्सीडेंट हुआ, ये लकड़ी का पुल इंडियन पेट्रोल पंप के लोटस हॉस्पिटल के अपोजिट, इंडियन पेट्रोल पंप के अपोजिट हुआ एक्सीडेंट। बस वाला मार के चले गया पीछे। हैदराबाद से मोहम्मद जियाउद्दीन की रिपोर्ट।